हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। मैंने ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और अदरवाइज ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहां से क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। प्रेसिडेंस, देखिए प्रेसिडेंस का सिंपली ये मतलब होता है कि किसकी प्रायोरिटी आप पहले दे रहे हैं। किसकी प्रायोरिटी आप, प्रायोरिटी का मतलब है कि किसकी वैल्यू पहले दे रहे हैं। देखिए पहली बात ये होता है कि अगर आप आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उन्हीं को ज्यादा प्रेसिडेंस देंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनको देंगे जिनसे आपकी अच्छी सी बात हो रही होगी। ठीक है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, छोड़ देते होंगे। ओके, यहाँ कुछ ऐसा ही कुछ जो होता है प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें भी हमें एवेलुएट करना होता है कि कंप्यूटर कैसे समझता है और हम इससे रिजल्ट क्या चाहते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि हम करना क्या चाहते हैं और क्या उसे चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा या फिर आप खुद एक कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसे एवेल्युएट कंप्यूटर से करवाएंगे कि वो कैसे एवेल्युएट कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो आप सोच रहे हैं क्या वो कंप्यूटर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और जो कंप्यूटर सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात पहले क्या आ रहा है यहाँ पे कि सबसे पहली बात ये है कि आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है। सपोज इसका एक हम प्रोग्राम अभी बन करा करके दिखाएंगे तो आप वहां से अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है प्रेसिडेंस को देखा जाएगा कि प्रेसिडेंस किसका सबसे ज्यादा है। देखिए तो प्रेसिडेंस का मतलब सीधा यहाँ प्रायोरिटी है, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1, 2, 3 ऑपरेंड दिखेगा। यहाँ पे 10, 20 एंड 30 जो है वो ऑपरेंड है और मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेंड क्या करता है, ऑपरेटर के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए आपको 10 प्लस 20, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है आप 20 और 10 को पहले एवेल्युएट करना चाह रहे हैं, ये मल्टीप्लाई वाले को, एंड उसके साथ 10 को ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो 20 और 10 को अगर पहले मल्टीप्लाई करें तो 200, और उसके साथ 10 को ऐड करें तो 210, ये आ गया। ओके, उसके बाद अल्टरनेटिव वे में अगर देखा जाए तो 10 और 20 को पहले ऐड करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा 30, और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो यहां देख रहे हैं कैसे ये प्रेसिडेंस चेंज होता है, कैसे चेंज हो रहा है, मतलब दो केस में दो तरह का रिजल्ट दे रहा है। यहां तो यहां कंफ्यूजन है एक तरह से। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो सबसे पहली बात तो है कि आपको ऑपरेटर इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप रिजल्ट कैसा चाह रहे हो। ठीक है, आप रिजल्ट कैसा चाह रहे हो। सपोज अगर मैं यहां पे ऐसा करूं कि ब्रैकेट लगा दूं, ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, देखिए बोडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट एवेल्युएट होगा, उसके बाद ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद सबट्रैक्ट, एडिशन। तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपको कहां पे क्या दिख रहा है, प्रेसिडेंस किसका दिख रहा है, तो बी मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कौन सा है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, यानी इसके अंदर जो भी चीज है पहले एवेल्युएट उसको करेगा, चाहे उसके बाहर कुछ भी हो उसे देखेगा तभी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया ये इन्होंने कि 10 प्लस 2 को यहाँ पे एवेल्युएट कर देगा। सपोज अगर मैं इसे ना करवाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसे ब्रैकेट को हटा दूंगा। ब्रैकेट को हटाने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये अपने प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मैं इसको कोडिंग के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना होता है, तो हेडर फाइल को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, हेडर फाइल को हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। इसके बाद हमें बनाना है मेन फंक्शन, तो मैंने एक मेन फंक्शन भी बना दिया। ठीक है, मेन फंक्शन भी बना दिया, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले आइडेंटिफायर बनाना है, उसे उसे डिक्लेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम कुछ डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि int a, b, c, d, हमने यहाँ पे चार आइडेंटिफायर ले लिया है या फिर कह सकते हैं वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, वेरिएबल ले लिए हैं, तो वेरिएबल ले लिए तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये हमने चार वेरिएबल ले लिए, तो चार वेरिएबल के थ्रू ही हम यहाँ कुछ ऑपरेट करा के इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें ए में जो है बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी को रखना है। ठीक है,
देखिए करते क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए में तो हमें ऑलरेडी वो सारा एक्सप्रेशन को रखना होगा। उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ बी इक्वल टू कुछ वैल्यू इसे असाइन कर देना है, सी इक्वल टू 5 असाइन कर देना है और डी इक्वल टू 4 असाइन कर देना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो वैल्यू लिया आप भी वही ले, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सिंपली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, तो इस ए वाले वेरिएबल में मैं चाहूंगा कि बी प्लस सी और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए क्या डी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जरा सोचिए ये किसको पहले इवेल्यूएट करेगा, तो सबसे पहले उसी को करेगा जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा प्रेसिडेंस होगा। तो प्रेसिडेंस इसमें किसका ज्यादा है, मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले सी और डी को ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो सी और डी क्या है 5 4, तो 5 4 कितना होता है 20 होता है, 20 के साथ मल्टीपल ऐड किसको करेगा 12 को करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो सिंपली करना है प्रिंट एफ, ठीक है प्रिंट एफ, यहाँ परसेंटी लगाना है, परसेंटी लगाने के बाद क्या करना है, सिंपली हमें करना है ए को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं ए को प्रिंट करवा दिया, ए को प्रिंट करवाने के बाद सिंपली इसे सेव करना है, सेव हो गया, सेव होने के बाद क्या करना है एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से प्रोग्राम जो है कंपाइल एंड रन, सिंपली यहाँ क्या करना है फिनिश कर देते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे फिनिश कर दिया हमने। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंपाइल करना है, यस कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद हमें करना है रन। देखिए तो रन करने के बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सबसे पहले देखिए अपने अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो क्या होगा 5 4 20 20 में अगर 12 जुट जाता है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रेसिडेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगा कि आगे है फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो बेसिकली होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि परसेंट डी जो लगाते हैं वो इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए, या फिर हाँ यस इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए जो है इसे परसेंट डी को यूज किया जाता है, तो इसी को बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात समझ, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसमें से कुछ आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं आई होते हैं, आई का कुछ एक अलग वर्क है, परसेंट सी का कुछ अलग वर्क है, परसेंट एफ का कुछ अलग वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या करता है, यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन मस्ट बी स्टार्ट विद परसेंट सिंबल। देखिए तो इनपुट ले चाहे कुछ आप आउटपुट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए परसेंट डी वो लगना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ अगर सपोज आप सी लगा दिया आपने सी, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, सपोज आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए, ठीक है ए में आपको क्या रखना है कोई कैरेक्टर रखना, तो कैरेक्टर को जो है हमेशा किसी कोलन के इनवर्टेड कोमा के अंदर ही रखना होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे कर दिया बंद, अब क्या करना है कि सिंपली इसे आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे प्रिंट टाइप करना है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद अब यहाँ पे परसेंट डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को परसेंट डी हमेशा लिखना कंपलसरी है। अब देखिए कैरेक्टर के लिए सी लिखा जाता है, ठीक है कैरेक्टर के लिए सी लिखा जाता है, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा सी और लगा कि कोमा और यहाँ हमने किया ए और क्या करना है फिर सेव किए, तो ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या दिखाएगा, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा सी। देखिए कैसे होता है कंपाइल एंड रन, तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखाया सी। अगर यहीं पर अगर मैं डी लगा देता तो D जो है उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देता, C का अभी मैं ASCII कोड के बारे में आपको बताऊंगा उसमें ये अच्छे से होगा। ठीक है, तो कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद रन, देखिए तो 99, यानी कि जो होता क्या है अब कि जितने भी कैरेक्टर जो भी चीज आप इनपुट करवा दो, जो भी स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है तो उसका कोई ना कोई कोड होता है। ठीक है, तो जैसे ए का जो सी का जो कोड है वो 99 था। ठीक है, उसी प्रकार आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो कि इसके इसमें जो है अगर हम कैपिटल ए लगा दें, तो कैपिटल ए लगा दो देखो क्या होता है, तो सिंपली करना एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल, कंपाइल के बाद करना है रन, तो देखिए इसका 65 होता है, इसका क्या होता है 65 होता है। तो इसको ही ASCII कोड बोलते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज आप जैसे जेड लिख दो, जेड लिखने के बाद ये जेड का ASCII कोड बताता है। ASCII कोड बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा इसका सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख पाओगे। ओके देखिए इसका 122 होता है। ठीक है, तो
इसके बाद जो हमारा कुछ टॉपिक आता है एस्केप सीक्वेंस। देखिए एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, देखिए ये स्लैश एन स्लैश ए स्लैश टी इस प्रकार का कुछ होता है। देखिए कैसे कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे अगर हम इससे पहले अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद ये देखिए इसी लाइन में आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ वर्ड। ठीक है वर्ड, ठीक है वर्ड लिखने के बाद अभी मैं अगर इसे सेव करके कंपाइल करके रन करूं दोनों एक ही साथ आ रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर लगा दूं स्लैश एन, देखिए अब क्या चेंजिंग आएगा, अब क्या चेंजिंग आएगा। तो सिंपली कंपाइल एंड रन करना है, सॉरी कंपाइल एंड रन। देखिए तो वर्ड क्या हुआ, पहले लाइन में आया और 122 दूसरे लाइन में आ गया। ठीक है इसी को एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। एस्केप सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, स्लैश एन लगाएंगे आप चाहे तो दूसरी लाइन में प्रिंट करवाने के लिए, ए जो है एक बीप के लिए होता है। देखिए अभी मैं स्लैश ए लगा के दिखाता हूं ये बीप करेगा, तो सिंपली एग्जीक्यूट, शायद आपको सुनाई दिया होगा। ठीक है तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आप जो है क्या कर सकते हैं अपना ये करके देख सकते हैं। ओके उसके बाद जो होता है एक होता है सेलेस्टी, सेलेस्टी जो होता है टैब के लिए। टैब के लिए क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे सेलेस्टी को कर दिए, प्रेस कर दिए, अब सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, वर्ड के बीच इतना सारा गैपिंग आ गया। ठीक है आई होप कि ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अगला जो है हमारा ये आस्काई कोड है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक जरूर से जरूर करें क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत होता तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए।